लगे कि कांगड़ा का नेता कैसा हो, सुधीर शर्मा जैसा हो, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये वो नौजवान है और समर्थक जो होते हैं, मैं नहीं होता, कोई और होता है, उसके हक में भी ऐसे ही नारे लगते हैं, स्वाभाविक सी बात है। उससे कोई किसी चीज़ के ऊपर अंतर नहीं पड़ता। आज एक वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, और आप देख रहे होंगे साधारण तरीके से समारोह को मनाया जा रहा है। हम लोग भारी आपदा से निकले हैं और एक वर्ष का लेखा जो काज सरकार आप सबके सामने रखेगी, उसी के लिए सब एकत्रित। सुधीर जी, एक और चीज़ सामने आ रही थी, कहा गया था कि जो एक साल का जश्न मनाया जाएगा, इसमें नए मंत्री पद की घोषणा होना स्वाभाविक है। सुधीर जी, सबसे ज्यादा नाम जो है कांगड़ा में आपका जो आगे चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसे समारोह में कभी घोषणाएं मंत्री पद की नहीं होती, और जब भी होना होगा तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार उसमें शीर्ष नेतृत्व तो देखेगा, जब उचित समझेगा तब करेगा। बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ के लिए चुन करके आए हैं वो कार्य अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में पूरे करने, उनको गति देनी है, मंत्री होना चाहिए। सर, आज धर्मशाला की जनता से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि धर्मशाला राजधानी है, मंत्री नहीं, तो ये क्या कहेंगे सर? यहाँ से तो शिमला भी राजधानी है, वहाँ से भी मंत्री नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है। आपको मंत्री के तौर पर देखना चाह रही है जनता, तो उनका प्यार है, उनकी भावनाएं हैं, उनका आशीर्वाद है, जिस वजह से मैं पुनः चुन करके गया हूँ विधानसभा में। तो उनका अपनापन है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा नेता जो आगे जा करके ऊँचे से ऊँचे पद पर पहुँच जाए, लेकिन हर चीज़ जो है उसका समय होता है। बड़ी बात जैसा मैंने पहले आपको कहा, यह है कि जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने चुना है उनको पूरा करना है। उम्मीद क्या लगाए धर्मशाला की जनता? तो धर्मशाला में आप देख रहे होंगे कि जो पिछले विकास कार्य थे रुके हुए शुरू हुए हैं, नई बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो और चुनाव क्षेत्र में नहीं आई, यहाँ पर हम लेकर के अभी आए एक वर्ष के अंदर अंदर वो चीज़ें धरातल पर उतरेंगी और उसका लाभ जो है सीधे सीधे स्थानीय जनता को होगा, उनकी आर्थिकी पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी, यही हमारा उद्देश्य। अंतिम सवाल सर, बीजेपी आक्रोश रैली कर रही है पूरे जिला भर में, आज एक साल का आप जश्न मना रहे कांग्रेस सरकार, बीजेपी आक्रोश रैली कर रही है, शिमला में हो गया और भी विभिन्न जगह पर चला हुआ, क्या कहेंगे सर? ठीक है, उनको नया नया जोश आया होगा क्योंकि इन राज्यों के चुनाव जो उनके पक्ष में आए हैं, तो वही उनकी अवस्था है कि बारिश इंदौर में हो रही है और छाता इंदौर में खोल के घूम रहे हैं।